हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सीएमए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैसे आप सीएमए कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। सो एडमिशन लेने के दो तरीके हैं। पहला, आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो और दूसरा आप ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हो। ऑफलाइन एडमिशन के लिए आपको अपने नियरेस्ट सीएमए चैप्टर में विजिट करना होगा। आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हो नियरेस्ट सीएमए चैप्टर, ओके, और आपको कोई ना कोई सीएमए चैप्टर आपके नियरेस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपको जाना है। आप प्रोस्पेक्टस बाय करना है एंड देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करके वहाँ पे सबमिट करने हैं एंड आप वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो जाओगे उस चैप्टर में एज ए सीएमए स्टूडेंट। वहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेज प्रोवाइड होगी, ओरल क्लासेज आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एंड इस तरीके से ऑफलाइन का सिस्टम है। वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ, अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैसे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। सो ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको विजिट करनी होगी। तो हम चलते हैं इंस्टीट्यूट के साइट पे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे और आप यहाँ पे देख सकते हो ये सीएमए इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो icmai.in है। कुछ फेक वेबसाइट्स भी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ टाइम पहले ही नोटिफिकेशन डाला था। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी आप वेबसाइट पे आओ तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि icmai.in ही होना चाहिए। तो हम अभी ऑफिशियल पेज पे हैं इंस्टीट्यूट के। यहाँ पे आपको अगर जब आपको एडमिशन ऑनलाइन लेना है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। जब आप ऑनलाइन एडमिशन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे, लाइक होम, चेक स्टेटस, प्रोविजनल टू रेगुलर एंड ऑल दिस थिंग्स आपको यहाँ पे स्टेटस आपको दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस भी आप लेटेस्ट 2022 सिलेबस का प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एडमिशन का। तो एडमिशन के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो फीस है 6000, 23000, 100 एंड 25000, ये तीन फीस है जो इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए रखा है। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आप दिसंबर 2023 अटेम्प्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम में आप अपेयर कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है उसके लिए आपको रीड मोर पे क्लिक करना होगा और फाउंडेशन के लिए आपको ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड नीचे आप फीस एंड अदर इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। सेम लाइक दिस वे यू कैन ऑल्सो चेक फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों ही इंस्टॉलमेंट पेपर से पहले देना पड़ेगा, राइट। पेपर से पहले आपको अपने दोनों इंस्टॉलमेंट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे तभी आप एग्जाम दे सकते हो, ओके। सो दी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब कैसे हम इसमें रजिस्ट्रेशन लें। सो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट कोर्स पे क्लिक करना है, या फिर आप फाउंडेशन में जा रहे हो तो आप फाउंडेशन के लिए, फाइनल में जा रहे हो तो फाइनल के लिए आप क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो स्टूडेंट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट, ये सारे स्टेट्स के नाम है, आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव चैप्टर, ओके, CMASC ऑफ नॉर्थ ईस्ट फॉर फाउंडेशन इंटरमीडिएट एडमिशन, ओके। वाई, बिकॉज यू विल गेट ए एडिशनल डिस्काउंट स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ओके, ऑल दिस नॉर्थ ईस्ट स्टेट सॉरी, उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेगा जो भी ये स्टेट्स इन्होंने बताए हैं। तो आप अपने नियरेस्ट चैप्टर पे आप जाके विजिट करो एडमिशन के लिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बिफोर फाइलिंग द फॉर्म रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली, इंस्टीट्यूट आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है एंड यू नीड टू फॉलो इट। अब हम बात करते हैं एडमिशन में क्या करना है आपको। यहाँ पे अगर आपने पहले कभी नेम चेंज किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आपने नहीं चेंज किया तो नो करना है। आफ्टर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन चूज करनी है, मैं ग्रेजुएशन चूज कर रहा हूँ, देन यू कैन सी व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं अटैचमेंट्स के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अटैचमेंट में अपलोड करने पड़ेंगे, तो इनकी जो साइज है और इनके जो फॉर्मेट है आपको उसी अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके अपने पास रख लेना है। फोटो हमेशा ट्राई करना है, जो लेटेस्ट फोटो हो आप वही यूज करना, अपने स्कूल टाइम के फोटो मत यूज करना, अदरवाइज आपको आइडेंटिटी कार्ड में सेम फोटो ही मिलेगा जो आप अपलोड करोगे। तो लेटेस्ट फोटो होगा तो आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स कम आ सकते हैं, ठीक है।
ये सारी चीजें जब आप यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लोगे, लाइक मैंने ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लिया है, देन यहाँ पे ओरल वर्सेस पोस्टल। तो ओरल क्या है, जब आपको चैप्टर में क्लासेस लेनी है देन यू कैन चूज ओरल क्लासेज। एंड अगर आपको पोस्टल में, मतलब आपको कोई क्लासेज नहीं प्रोवाइड होगी इंस्टीट्यूट के साइड से, स्टडी मटेरियल दोनों ही केसेज में प्रोवाइड होती है, सिर्फ क्लासेज का डिफरेंस होता है। ओरल में आपको इंस्टीट्यूट फ्री क्लासेज प्रोवाइड करती है, बट हाँ उस फ्री क्लासेज में आपके इंटायर सिलेबस कवर्ड नहीं होती है, कुछ टॉपिक्स कवर की जाती है, 50-60% सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जा सकता है इंस्टीट्यूट के साइड से। ओके, सो ये चीज डिफरेंट था ओरल वर्सेस पोस्टल में। मैंने फाउंडेशन ओरल किया था जिसमें मेरे अप्रोक्स 60-70% सिलेबस कंप्लीट हुए थे, बट इंटायर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। फैकल्टी इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज ही होते हैं। एंड जब मैंने इंटरमीडिएट एंड फाइनल में एडमिशन लिया तो मैंने पोस्टल लिया, बिकॉज मैं इंस्टीट्यूट में जाके क्लासेस नहीं करना चाहता था, मैं प्राइवेट कोचिंग लेना चाहता था, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों में ही मैंने पोस्टल लिया। तो आप भी चूज कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको लाइक मैं अभी पोस्टल चूज कर लेता हूँ, आपको अपना स्टेट चूज करना है, आप किस स्टेट में हो, एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रीजन ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। आपको यहाँ पे रीजन मिल गया, मेरा जो रीजन आएगा, अगर मैं बिहार चूज करता हूँ तो मेरा रीजन कोलकाता आएगा। अगर आप दिल्ली, अगर आप किसी भी नॉर्थ इंडिया के पार्ट से हो, जैसे चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, तो इन दैट केस आपके पास अगर चूज करोगे तो आपका न्यू दिल्ली रीजन आएगा। सेम फॉर वेस्ट एंड सेम फॉर साउथ। ओके, सो दिस फोर रीजन्स आर देयर। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजन आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल देना है, एंड जब आप मेल आईडी डाल दोगे तो एक आपके पास ओटीपी जनरेट होके आएगी इंस्टीट्यूट के साइट से। एंड इस ओटीपी में आपको क्या करना है, आपको अपने फोन नंबर पे मेल आईडी पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगी, एंड आपको उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। ओके, वेरीफाई में क्या करना है, 741852, ये मैंने ओटीपी को मैंने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, यहाँ पे आपको बस सिलेक्ट जरूर कर लेना है जब भी आप कुछ फिल कर रहे हो। ये यहाँ पे आपका कोचिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी आप कोचिंग चूज कर रहे हो केयरफुली ही आपको चूज करना है। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन हो गई है। गिव मी वन सेकेंड। तो ये आपके पास फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स में आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं। आपको ये ध्यान रखना है जो भी स्टार मार्क्ड है, जो भी स्टार है, ये मैंडेटरी एरियाज है जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। अगर आप फिल नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जो भी आप डिटेल्स फिल करना उसको भी आप केयरफुली चेक कर लेना कि जो भी आप अटैचमेंट ऐड करोगे, लाइक अपने 10th 12th की मार्कशीट भी आपको ऐड करना है, और एंड यहाँ पे भी आपको उसकी डिटेल्स डालनी है, तो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो। सो ये कंप्लीट है, आप यहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन फिल करके आप नेक्स्ट पेज पे आप मूव कर सकते हो, और वहां पे आपको सारे अटैचमेंट अपलोड करने हैं जो हमने लास्ट पेज पे देखा था, एंड फिर आपको फाइनल पेमेंट कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन स्टेटस आप यहां पे आके चेक कर सकते हो। न्यू सिस्टम पे जब आप क्लिक करोगे, यहां पे आप जब अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, देन यू कैन सी स्टेटस। आपको आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में 4 आवर्स से लेके 1 वीक तक का टाइम लग सकता है बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो इंस्टीट्यूट आपको रिमार्क देगी जब भी आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करोगे। उस रिमार्क के बेसिस पे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि क्या चीज़ें अपडेट करनी है, कैसे अपडेट करना है। इसलिए जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट क्लियर जरूर होना चाहिए, मतलब जो भी उसमें मेंशन किया गया है वो इजी टू रीड होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करने से पहले। रेंडमली कुछ भी स्कैन और अपलोड ऐसे मत करना कि वो सामने वालों को समझ ही ना आए। मेरे एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था और उसको विद इन 1 आवर ही रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया, बिकॉज उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सही तरीके से स्कैन थे, अपलोडेड थे। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। आपके रजिस्ट्रेशन से 30-45 डेज तक का टाइम लगता है बुक्स के डिलीवर होने में।
तो आप बुक का स्टेटस आप ऑनलाइन आप आके चेक कर सकते हो इंशोट के पोर्टल पे। एंड अगर आपको बुक का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए ये हमारे पास वेबसाइट है, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, आपको गूगल पे सर्च करना है CMA स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग एंड आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको आना है। जब आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालते ही मेरा मेंबरशिप नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप डालोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपको एक स्पीड पोस्ट का नंबर मिल जाएगा जब वहाँ से बुक डिस्पैच हो गया होगा, तो आप उस नंबर को आप इंडिया पोस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके बुक की सिचुएशन क्या है, कहाँ पे अभी तक पहुंच चुकी है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। सो ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन था। हाँ, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंश्योर के साइट पे ही आपको PDF बुक्स अवेलेबल है सिलेबस 2022 की एंड आप PDF बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। कैसे आप PDF बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, आपको कुछ नहीं, आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। अगर आप जब आप गूगल पे सर्च करोगे PDF बुक्स तो आपको गूगल पे दिख जाएगी। तो ये रहा, मैंने गूगल से बुक का लिंक निकाला है, आपको CMA न्यू स्टडी मटेरियल्स डालना है और आपको यहाँ पे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप किसी एक पे क्लिक करोगे, आफ्टर CMA ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप वन का डाउनलोड करना है, आप ग्रुप वन पे क्लिक करके आप ग्रुप वन का डाउनलोड कर सकते हो और सेम इसी तरीके से आप ग्रुप टू का भी आप डाउनलोड कर सकते हो आप। हाँ, लेकिन जो बुक्स डाउनलोड होंगे वो आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा, वो आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो सकता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मैंने फ़ोन से ट्राई किया था तो ये डाउनलोड नहीं हुआ था, तो आपको लैपटॉप में डाउनलोड करोगे तो आप से इजीली हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थे जो रजिस्ट्रेशन के बारे में था, कैसे आप ट्रैक कर सकते हो स्टडी मटेरियल, कैसे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हो, बुक्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन था अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वो 7 साल के लिए वैलिड होगा, 7 ईयर्स, ठीक है। तो इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखना, इंटरमीडिएट से फाइनल तक आपको कंप्लीट करना है 7 ईयर्स में। हाँ, 7 ईयर्स के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर जाता है तो रिन्यू भी हो जाता है। रिन्यू में आपको बहुत हेवी अमाउंट नहीं पे करना पड़ता है, 2000 से लेके 4000 तक का अमाउंट अभी के टाइम में, आई थिंक 2500 रुपीज अभी इसकी फीस है, फ्यूचर में फीस चेंज भी हो सकता है, तो टाइम टू टाइम वो फीस चेंज होते रहते हैं, बट 7 ईयर्स का पीरियड बहुत होता है जिसमें आप CMA डेफिनेटली आप कंप्लीट कर सकते हो। होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।